वही अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ब्लूटिया ने सरकार और वन विभाग के कार्यों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य के जंगल आग से राख हो गए और अधिकारी दोनों भविष्य की योजनाएं गिना रहे हैं, जबकि इस वक्त आग से काबू पाने को विभाग के पास ना तो संसाधन है ना ही कोई ठोस प्लान। चीड़ की पिरूल को जंगलों में आग लगने की वजह बता उससे ईंधन तैयार करने की बात कही जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जंगलों में आग लगने का सिलसिला हमेशा से रहा है, पर आज तक समय रहते इससे निपटने को कोई ठोस प्रबंधन तैयार नहीं किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बस जो है फॉरेस्ट फायर फाइटिंग के क्या संसाधन है? नोडल अधिकारी अगर मौके पर जाएंगे तो क्या करेंगे? बिना संसाधन के आग कैसे बुझाएंगे ये पहले तय करें, क्योंकि सरकार कहीं पर भी गंभीर नजर नहीं आती। सिर्फ नोडल अधिकारी बनाने से मौका मुआयने करके तो आप रिपोर्टिंग करेंगे कि इतना जल गया, लेकिन आग नहीं बुझा पाएंगे। तो आग बुझाने के लिए सबसे पहले आपके क्या इंतजाम थे और आपकी क्या तैयारियां थी, क्योंकि गर्मियों में जंगलों में आग लगती है तो आपको गर्मी आने से पहले ही सब कुछ, जैसे आज जो फ्यूल होता है, जो पत्ते सूखे हुए पत्ते हैं वो आग के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं, तो उसकी क्लीनिंग का काम समय पहले रहते करना चाहिए था। वो आज बयान में पढ़ रहा हूँ कि हमारी एक कंपनी से बात हो रही है जिसमें पिरूल को जो है हम लोग दे देंगे तो उससे आग नहीं लगेगी, तो वो भविष्य की बातें करने लगे। और चीड़ के जंगल के अलावा उत्तराखंड में 67% फॉरेस्ट है, और जो उत्तराखंड की एक पहचान है जिसकी वजह से टूरिस्ट आता है शुद्ध हवा लेने के लिए एक अच्छे वातावरण में।